उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह आज गाजियाबाद में पहुंची और उन्होंने विभागीय स्तर के अधिकारियों की मीटिंग ली। सुषमा सिंह का कहना है कि जिस तरह से देश में रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उनका कहना है कि कुछ अधिकारों से महिलाएं वंचित रह पा रही हैं, जिसका कारण सरकारी पोर्टल है। इनमें से रानी बाई सम्मान कोष पीड़ित महिलाओं के सम्मान के लिए दिया जाता है, लेकिन सरकारी पोर्टल साइट पर अधिकृत कमियां होने के कारण वो कोष वापस आ रहा है, जिसके संबंध में उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। उनका कहना है कि ये कमियां जल्द से जल्द दूर हो जानी चाहिए, जिससे कोई भी महिला अपने किसी भी अधिकार से वंचित ना रहे। घटनाएं दिन प्रतिदिन हम लोगों के सामने आ रही हैं और इस समाज को जैसे एक प्रदूषण की तरह मतलब कलंकित करती जा रही हैं। सब कुछ मतलब गड़बड़ दिख रहा है, तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि सबसे पहले विभागीय स्तर पे भी मतलब सभी विभाग के अधिकारियों की एक बार काउंसलिंग भी करनी चाहिए। जैसे हमारे आयोग का व्हाट्सएप नंबर पिछले 1.5 साल से, मैं गाजियाबाद में भी 4 बार आ चुकी हूँ, बार बार मैं शोर मचा के बता चुकी हूँ, 630-65-11-708 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन आज भी अधिकारियों को नहीं पता कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये ईमेल का प्रावधान है। इसी प्रकार से जब हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष, जो महिलाओं के सम्मान के लिए कोष है, वो भी वापस जा रहा है, जो काफ़ी अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, जब उसकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई तो ये समझ में आया कि पोर्टल पे अधिकृत जानकारियों की कमी होने की वजह से पोर्टल उसको ले नहीं रहा है और फिर वो रिजेक्ट हो रही हैं। विभाग के सभी अधिकारियों से समीक्षा करने का कारण ये था कि जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ 3 लोगों को मिला है और बाकी जो 12-13 हैं कि वो नहीं मिले हैं, तो CMO के माध्यम से हम लोगों को ये पता लगा है कि जो भी पुलिस कांस्टेबल पीड़िता के साथ सर्वाइवर के साथ इसके को करवाने के लिए जाते हैं मेडिकल लेने के लिए, तो वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट को लेके आते हैं, उनके द्वारा पैथोलॉजी रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट की जानकारी ना होने की वजह से वो उनको वहाँ से कैरी नहीं करते हैं, लेकर नहीं आते हैं। जब पोर्टल पे वो जानकारियाँ डाली जाती हैं तो ये समझ में उनको मतलब एक ही मेडिकल रिपोर्ट डलती है, तो एक्सरे रिपोर्ट और पैथोलॉजी रिपोर्ट नहीं डली है तो पोर्टल उसको रिजेक्ट कर देता है और फिर से वो पेंडेंसी पे चला जाता है। लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से पोर्टल में जानकारी पूरी अपलोड नहीं की जा रही है, तो अभी हम लोग इसी चीज़ पर टारगेटेड हैं कि जो पुराने भी ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जिनमें राहत कोष नहीं दिया गया है, इस प्रकार का सम्मान कोष नहीं दिया गया है, वो टाइमली दिया जा सके और भविष्य में इस प्रकार के केसेस आते हैं तो उनके साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही ना की जाए, तुरंत प्रभाव से विवेचना की जाए और सजा जब तक नहीं हो जाती है तब तक उसको पूरा देखा जाए।